यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10+1 का फर्स्ट चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसके मेन पॉइंट ऑफ द चैप्टर, इसके मेन पॉइंट्स हम अच्छी तरह से रीड करेंगे और आपको इनको दोबारा से रीड करोगे और लेसन को अंडरस्टैंड करोगे। सो मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए वेरी ओल्ड वोमेन। ऑथर की ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत ही एक बूढ़ी औरत थी। वेरी ओल्ड वोमेन, शी वॉज सो वेरी ओल्ड दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू इमेजिन शी कुड एवर हैव बीन यंग एंड प्रेटी एंड और हैड इवन ए हस्बैंड। वह इतनी अधिक बूढ़ी थी कि यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि वह कभी भी यंग और सुंदर रही होगी और उसका एक पति भी होगा। हिज ग्रैंड फादर हुज पोर्ट्रेट हंग इन द ड्राइंग रूम वॉज ऑलरेडी डेड। उनके ग्रैंड फादर जो थे, उनके दादाजी जो थे, जिनका चित्र दीवार पे लगा हुआ है, वो पहले ही मर चुके थे। ही टू लुक्ड वेरी ओल्ड, वे भी बहुत ही बूढ़े दिखाई देते थे। So very old that he did not look the sort of person who would have a wife or children. वे इतने अधिक बूढ़े थे, so very old that वे इतने अधिक बूढ़े दिखाई देते थे कि यह अनुमान लगाना भी मुश्किल था कि उसकी कभी पत्नी भी थी और बच्चे भी थे, यानी उनके तो पोते पोतियां और वो ही होने चाहिए। He looked as if he could only have lords and lots of grandchildren. He looks as if वे ऐसे दिखते थे कि he could only have lots and lots of children. यानी वे ऐसे दिखते थे कि उनके तो बहुत सारे पोते पोतियां और यही रहे होंगे और मतलब बच्चे नहीं हो सकते। The author says that his grandmother's face was a criss-cross of wrinkles. The author says that his grandmother's face was a criss-cross of wrinkles. यानी लेखक कहता है कि उसकी ग्रैंड मदर का जो चेहरा जो था ना, वो यानी जूरियों का ताना बाना, क्रिस क्रॉस होते हैं, जूरियों का ताना बाना था। सी हैड सिल्वर लॉक्स, उनके चांदी के जैसे तो बाल थे। सी हैड स्टूप्ड इन हर बैक, और उसकी पीठ पे कुबड़ था, यानी कुबड़ी थी वो। She had to keep one hand on her waist in order to keep her balance while moving about. और वह अपना एक हाथ अपनी पीठ पर हमेशा रखती थी ताकि इधर उधर चलते वक्त से उसके शरीर का बैलेंस बना रहे। She wore spotlessly white cloth. वह बिल्कुल ही बेदाग सफेद कपड़े, spotlessly होता है बेदाग सफेद कपड़े पहनती थी। शी ऑलवेज kept telling the beads of her rosary, वह हमेशा अपनी माला को जपती रहती थी। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन साइलेंट प्रेयर, और उनके होठ जो थे ना, लगातार प्रेयर में, प्रार्थना में हिलते रहते थे। थर्ड पॉइंट है, द ऑथर लिव्ड हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। द ऑथर लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। His parents had moved to the city. The author lived with his grandmother in the village. लेखक जो था ना, अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहता था। His parents had moved to the city. His parents had moved to the city. उसके माता पिता जो थे वो शहर में रहने चले गए थे। Every morning the grandmother walk the author up and prepare him for school. प्रत्येक सुबह लेखक, उसकी दादी माँ लेखक को जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। Then after breakfast, तब भोजन के बाद में both of them left for school. दोनों स्कूल के लिए चल पड़ते थे। She carried some stale chapati with her for the village dog. और दादी माँ जो थी ना, अपने साथ कुछ बासी रोटियां ले लेती थी ताकि जो गली के कुत्ते थे उनको डाल दी जाए। द विलेज स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेंपल।
गांव का जो स्कूल था वो मंदिर के बिल्कुल ही मंदिर के साथ ही जुड़ा हुआ था। द प्रिस्ट टोट द चिल्ड्रन द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो मंदिर का पुजारी था ना वो बच्चों को क्या है वर्णमाला सिखाता और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। While the author studied in the Brahmanda along with the other children, his grandmother sat inside reading the scriptures. जब author ब्रांदे में दूसरे बच्चों के साथ स्टडी करते थे करता था तो उस समय his grandmother sat inside reading the scriptures. तो उसकी माँ जो है ना उसके पास ही बैठकर क्या करती थी धार्मिक पुस्तकें, उसकी दादी माँ जो है ना पास ही बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। आफ्टर स्कूल द टू वॉक्ड बैक होम टूगेदर और स्कूल के बाद में दोनों साथ साथ अपने घर की तरफ चल पड़ते थे। दे वुड फीड द विलेज डॉग विद द चपाती दे हैड विद देम। दे वुड फीड द विलेज डॉग और वे वापसी में आते वक्त क्या करते थे वो बस ही चपाती थी ना कुत्तों को डाल देते थे। The author and his mother had now started living in the city with the author's parents. The author and his grandmother had now started living in the city with the author's parents. लेखक और उसकी दादी माँ अब क्या है शहर में उनके माता पिता के पास रहने चले गए थे। The author was sent to an English school in the city और ऑथर को शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा गया। सिंस देयर वर नो डॉग इन द सिटी अब वहाँ पे गलियों में कुत्ते शहर में गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग द स्पैरो अब ग्रैंड मदर ने क्या किया चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। सी अनहैप्पी दैट ही कुड नो लॉन्गर हेल्प द ऑथर विद इज लेसन अब वह बहुत ही अप्रसन्न थी कि अब वह लेखक की उसकी स्टडी में कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। मोर एवर सी हेटेड मैनी ऑफ थिंग ही वाज टॉट इन हिज न्यू स्कूल इसके अतिरिक्त सी हैज मैनी ऑफ द थिंग ऐसी बहुत सी चीजें थी सी हेटेड मैनी ऑफ द थिंग ऐसी बहुत सी चीजें थी जिनसे दादी माँ घृणा करती थी वो क्या थी ही वॉज टोट इन द स्कूल न्यू स्कूल जो नए स्कूल में जो चीजें सिखाई जाती थी ना उन बहुत सी चीजों से दादी माँ घृणा भी करती थी। दस ए ग्रेट चेंज केम इन देयर रिलेशनशिप और इस प्रकार से उनकी फ्रेंडशिप में उनकी मित्रता में बहुत बड़ा चेंज आ गया था। सी रेयरली टॉक टू हिम अब वे कभी कभार ही बातचीत करते थे। The author was given a separate room in the house when he went up to a university. जब author को university अर्थात विश्वविद्यालय भेजा गया तो घर में भी उसको एक अलग कमरा दे दिया गया यानी अलग कमरे में वो रहने लग गया। Now the grandmother spent most of her time at the spinning wheel. Now many of the grandmother दादी माँ spent बिताती थी most of हर टाइम अपना अधिकतर समय द स्पिनिंग व्हील यानी चरखे पर कातने में अपना अधिकतर समय बिताती थी। एट द टाइम सी कैप्ट रिसाइटिंग हर प्रेयर एट द टाइम सी कैप्ट रिसाइटिंग हर प्रेयर और इस समय क्या है अब ऑल द टाइम सी कैप्ट रिसाइटिंग हर प्रेयर अब सारे समय वह केवल अपनी प्रार्थना ही मुंह से प्रार्थना ही उसकी चलती रहती थी। इन द आफ्टरनून शी थ्रू लिटिल बिट्स ऑफ ब्रेड टू द स्पैरो हु केम इन हंड्रेड एंड सेट अराउंड हर और दोपहर में वो क्या करती थी दादी माँ इन द आफ्टरनून दोपहर में शी थ्रू वह फेंकती थी लिटिल बिट्स ऑफ ब्रेड यानी रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े टू द स्पैरो चिड़ियों को हु केम इन हंड्रेड जो कि हजारों की संख्या में आ जाती थी एंड सेट अराउंड हर और उसके चारों ओर बैठ जाती थी। सम इवन पर्च्ड ऑन हर लेग एंड शोल्डर और कुछ चिड़ियां तो उनके टांगों पे और कंधों पे भी बैठ जाती थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर
और ये सबसे महत्वपूर्ण उनका आधा घंटा होता था। द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर 5 ईयर फॉर फर्दर स्टडी। अब ऑथर जो है आगे की स्टडी के लिए क्या है, द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर 5 ईयर फॉर फर्दर स्टडी। अब लेखक आगे की स्टडी के लिए, आगे की स्टडी के लिए 5 वर्ष के लिए विदेश चला गया। अब्रॉड होता है विदेश। ग्रैंड मदर केम टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम। ग्रैंड मदर भी रेलवे स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन पर उससे मिलने के लिए उसके साथ आई। शी डिड नॉट शो एनी इमोशन। उसने किसी प्रकार की भावना व्यक्त नहीं की। हर लिप्स वर कंस्टेंटली मूव्ड इन प्रेयर एंड हर फिंगर वर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। हर लिप्स वर कंस्टेंटली मूविंग इन प्रेयर। उनके होठ जो थे ना, हर लिप्स उनके होठ वर कंस्टेंटली मूविंग इन प्रेयर। उनके होठ लगातार प्रेयर में, प्रार्थना में हिलते रहते थे। एंड हर फिंगर वर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और उनकी उंगलियां जो थी ना, हमेशा उसे माला के मनकों पर चलती रहती थी। She kissed the author's forehead as the train left. She kissed the author's forehead as the train left. जब ट्रेन रवाना हुई तो उसने लेखक का माथा भी चूमा। 8th summary point है, the author came back after 5 years. The author came back after 5 years. Grandmother did not look a day older. लेखक 5 वर्ष बाद वापिस आया। Grandmother did not look a day older. दादी माँ अब भी एक भी दिन अधिक बूढ़ी नहीं हुई थी, यानी वो पहले दिखाई देती थी वैसे ही अब थी। She received the author affectionately. उसने लेखक का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया। She fed the sparrow in the afternoon. उसने दोपहर में क्या है, She fed the sparrow in the afternoon. उसने दोपहर में चिड़ियों को खाना भी खिलाया। She fed the sparrow in the afternoon. And in the evening she collected the women of the neighborhood. उसने दोपहर में चिड़ियों को खाना खिलाया और शाम को उसने अपने पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा कर लिया। Then she took an old drum and sang for many hours. तब उसने एक पुराना ढोलक लिया और कई घंटों तक उसको बजाती रही और उस पर सेंग, मतलब गीत गाती रही। It was the first time that the author had not seen her say her evening prayer. ये पहला समय था जब लेखक ने उसको, ये पहली बार हुआ था जब लेखक ने उसको प्रेयर करते हुए नहीं देखा। The next morning grandmother was taken ill. 9th number point है, The next morning grandmother was taken ill. अगली सुबह दादी माँ अचानक बीमार हो गई। It was a mild fever. ये हल्का बुखार था। But she said that her end was near. परंतु उसने खुद ने ये बात कह दी थी कि उसका अंत अब निकट आ गया है। She did not want to waste any time in talking to anybody. अब वह क्या, She did not want to waste, वह कोई भी समय बर्बाद किए बिना। She did not want to waste any time in talking to anybody. उसने बिना कोई समय दूसरों से बातें करने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी वो। He started praying and telling her beads. उसने प्रार्थना शुरू कर दी और अपने मन माला के जो मनके थे उनको फेरती रही। Even before anybody could suspect, she was dead and the rosary fell from her lifeless finger. अचानक ही जब तक कि किसी को संदेह होता, she was dead, वह मर गई थी
एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनकी हाथों से जो निर्जीव उनकी निर्जीव उंगलियों से अचानक ही वह माला नीचे गिर गई। अरेंजमेंट वर मेड फॉर ग्रैंड मदर फ्यूनरल। थाउजेंड ऑफ स्पैरो केम एंड सेट साइलेंटली अराउंड ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी। अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ग्रैंड मदर फ्यूनरल। फिर ऑथर और दूसरे अन्य जो भी परिवार के सदस्य थे वो दादी माँ के दाह संस्कार के लिए अरेंजमेंट करने के लिए चले गए। थाउजेंड ऑफ स्पैरो, तभी क्या हुआ, हजारों की संख्या में चिड़िया। थाउजेंड ऑफ स्पैरो केम एंड सेट साइलेंटली अराउंड ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी। हजारों की संख्या में बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी हुई और वे ग्रैंड मदर के चारों ओर बैठ गई। द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू देम बट द बर्ड्स टुक नो नोटिस। लेख की मां ने उन चिड़ियों को बहुत सारे ब्रेड के टुकड़े डाले परंतु किसी भी पक्षी ने उन ब्रेड के टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। When grandmother dead body was carried off to be cremated, जब दादी माँ को की डेड बॉडी को दाह संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा, द स्पैरोज क्वाइटली फ्लू अवे, तभी चिड़िया जो है अचानक ही सारी चिड़िया उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्प इन टू द डस्टबिन, और अगली सुबह स्वीपर ने सफाई वाले ने वो ब्रेड के टुकड़े साफ करके डस्टबिन में डाल दिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर के मेन पॉइंट्स है, इनको आपको दोबारा रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। सो थैंक्स।